हम लोग बात करने वाले हैं द ग्रैंडसन मूवी के बारे में। मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। अब इस मूवी को बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया। मूवी का जॉनर रिवेंज ड्रामा थ्रिलर देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं कैसी है मूवी। इस मूवी में कहानी फोकस करती है दादा और उसके पोते पर, जो कि दादा है भाई उसको कुछ जो कि स्कैमर है भाई लूट लेते हैं, यानी कि उसको बेवकूफ बनाया जाता है। बोला जाता है कि आपका जो कि पोता है उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए पैसे वगैरह चाहिए, तो इसी तरह बातों में उसको बेवकूफ बनाकर उसके दादे से पैसे लूट लेते हैं। इसके बाद जो कि भाई उसका पोता होता है ना भाई, इन चोरों को पकड़ने के लिए लग जाता है। इसके बाद कहानी में क्या कुछ होगा उसी चीज को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है। मूवी पर तकरीबन 2 घंटे टाइम देना पड़ता है। मूवी की शुरुआत में जब दादा को लूटा जाता ना, तो भाई जिस तरह वो रिएक्ट करता है तो वो हमें भी फील होता है कि भाई यार कितना बुरा हुआ है। दादा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट में चला जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल में चला जाता है। तो जो भी अगर पोता होता है उसको उसके साथ काफ़ी प्यार होता है। जो कि पुलिस होती है भाई वो बिल्कुल भी मदद करने के मूड में नहीं होती भाई, पूरी तरह से उनका जो कि प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। अब इसके दादा को लूटते हैं, वो काफ़ी बूढ़े लोगों को लूट चुके हैं, बुलाया जाता है ग्रैंड पेरेंट्स स्कैमर। अब जो कि रूडी नाम का यानी कि पोता है वो इस इन्वेस्टिगेट पर लग जाता है। छोटे छोटे क्लूज उसको मिलते हैं, उन लोगों तक वो पहुंचता है। इसके बाद ये स्टोरी कैसे रिवेंज स्टोरी बन जाती है, तो यही सब चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। मूवी का कंसेप्ट आपको अच्छा लगेगा, यानी कि मूवी का प्लॉट अच्छा है, और जिस तरह इस मूवी का स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो देखने को मिलता है, लेकिन स्टोरी को जिस तरह पेश किया गया काफ़ी बढ़िया है। मूवी का प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छा, सिनेमेटोग्राफी भी ठीक ठाक लेवल की आपको देखने को मिलती है। मूवी में किसी किस्म का कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिलता, मूवी में जस्ट आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है। मूवी मेरे को एकदम ठीक ठाक लगी। अगर आपके पास कुछ भी देखने के लिए नहीं है तो आप इस मूवी को चेक कर सकते हैं। अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से 3 रेटिंग दूंगा। चलिए वीडियो करते हैं पर खत्म। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।